तो गाइज इधर हमारा लगेज भी पैक हो गया और हम निकलने वाले थे घूमने। और ये हम खाना खाए, सुबह खाना खा के हम सब निकल गए। और निकल के ये सबको दिखा रही थी कि हम सब ऐसे बैठे हैं पीछे और सामने वैसे बैठे, और मैं खुद को भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ। तो दिखाई मैं, आई नो आपको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देगी क्योंकि मेरे साइड से रास्ता है और गाड़ी जा रहा है, और इधर हम पहुँच गए। तो फिर ये गाड़ी में बैठ के मैं स्विंग पी रही थी, और स्विंग पीते हुए तो फिर से रास्ता आ गया। गाइस अभी हम रास्ते में रुके हैं, अभी हम खाना खाएंगे। ये रहा धमतल का ढाबा, कहाँ पे ढाबा पता नहीं। देखो देखो ये लड़की मुझे बहुत मारती है। अरे पिंपल हुआ है जो एकदम दिख रहा है, बहुत ज़्यादा दिख रहा है, मार दी मुझे ये। तो खाने में फिर हमने ये सब ऑर्डर किया था, फिश, चिकन, पनीर और रोटी, भात। फिर आप देख सकते हो गाइस हम लोगों का खाना हो गया। आई नो आप लोगों को मेरी बात सुनाई नहीं देगी लेकिन हम लोगों का खाना हमने खाया, पूरा खाना होगा। इस इधर हमारी गाड़ी का एसी में कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो हम रुके थे, और वो बनाए और बनाना नहीं हुआ तो हम शोरूम में आ गए रेनॉल्ट शोरूम में। फिर इधर हम बनाए अपना गाड़ी और फिर ये हम सब जैसे भी खाना खाने आए हैं। तो गाइस हम लोगों का हालत कुछ ऐसा हो गया, मेरी दादी का कुछ दाढ़ी पक गया है देखो। और गाइस एक इतना पिंपल हो गया है ना, पूरा दिख रहा है। गाइस मेरी बहन को आप देख पा रहे हो तो देख लो, गधी कहीं की। तो गाइस ये फिर हम धमतरी में ही थे, और इधर हम रास्ते में गाना सुन सुन के ना बोर हो गए थे तो तारक मेहता लगा दिए थे और तारक मेहता देख रहे थे। फिर तारक मेहता देखने के बाद हम इधर कहाँ तो पहुँचे थे, कुछ राजनंदगांव ऐसा कुछ नाम था, उधर पहुँचे। और उधर पहुँचने के बाद हमने लिया होटल, और ये रहा होटल का व्यू। और होटल में हमने सो रुकना यार रुक। तो गाइस इधर हमने होटल बुक किया, और होटल था पंचशील होटल जिसका रूम भी अच्छा था और फैसिलिटी भी बहुत अच्छी थी और रेंट भी अच्छा था। एक रूम का 3000 था, सिंगल रूम का आपको कम मिल जाएगा और डबल बेड का ज़्यादा मिल जाएगा। और इधर हम सब बैठे थे क्योंकि हमारा रूम बुक हो रहा था, और इधर हम पोज दे रहे थे। और फिर ये रही मैं, मुझे भी तो दिखाना ज़रूरी है ना। तो ये रहा हमारा रूम, तो आपको दिखा रही हूँ कैसा है रूम। तो रूम बहुत अच्छा था, एसी था, फैन था, आपको नॉन एसी। तो गाइस हम हैं अभी अपने होटल रूम में, और हम हैं अभी राजनंदगांव ऐसा कुछ जगह का नाम है। तो आपको होटल का टूर करवाती हूँ, दिखाती हूँ हमारा रूम।
तो ये फिर से मैं अपना रूम दिखाती हुई लड़की जो आधा अधूरा रूम दिखाई थी फिर से दिखा रही हूँ रूम की, देखो बहुत अच्छा है। और ये था बालकनी जिधर से ट्रेन स्टेशन रेलवे स्टेशन दिख रहा था, और ये रेलवे स्टेशन के पूरे साइड में था, और इस होटल का नाम था पंचशील। और इधर तो गाइस मेरा ब्लॉग है कि हम उमरकोट से जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, एक ट्रिप है हमारा, तो मैं ये इंट्रो नहीं दे सकती थी, नहीं दे पाई थी घर से निकलते टाइम, अभी दे रही हूँ इंट्रो। सो गाइस हाय वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हो आप सब, आई होप आप सब बहुत अच्छा एंड मैं भी थोड़ी सी अच्छी हूँ, मतलब बहुत 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 क्या बोलूँ क्या हो गया बहुत टायर्ड हो गई हूँ। सो गाइस ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो गाइस फिर हम इधर गए खाना खाने, इधर सब मिलकर बैठे हुए रूम में, मुझे आज ही ब्लॉग एडिट करना है और आज ही पोस्ट करना है। ये उनका डाइनिंग रूम और सबको दिखा रही थी मैं, और सब भी पोज बना रहे थे, और ये रही मैं जो इधर बैठी थी और अपनी हालत दिखा रही थी कि मेरा हालत कैसा हो गया है, और इस कल सिनेमैटिक शॉट ले रही थी लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा तो डिलीट कर दी। तो गाइस इधर हम पहले लिए थे पनीर बोल रही हूँ पापड़, फिर हमने लिया पिज़्ज़ा, फिर पिज़्ज़ा खा के हमने लिया ये हक्का नूडल्स, सबने थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया, और हक्का नूडल्स के बाद हमने लिया सेजवान फ्राइड राइस और पनीर का कुछ कुछ सब्जी था, तो इधर सब मिल बांट के खा रहे थे। और लास्ट में हमने डेजर्ट पर लिया था ये आइसक्रीम, और ये आइसक्रीम बहुत ज़्यादा टेस्टी था, ये था वनीला फ्लेवर का जैसे आप लोगों को दिख ही नहीं रहा, और फिर ये ज़बरदस्ती मुझसे खिलाया गया गुलाब जामुन जो इन्होंने खिलाया मुझे, तो देखो अभी इसके लिए भी कर दिया लेकिन हम तो आइसक्रीम ही खाएंगे आज का डिनर दीदा की तरफ से, ये हाथ ताली ताली चलो गाइस मेरा इंसल्ट हो गया क्योंकि मैं जहाँ फोन रखी थी ना, गाइस लास्ट डेजर्ट में खा रही हूँ गुलाब जामुन, टूट भी नहीं रहा तो ऐसे ही लेकर खा रही हूँ। मामी खाओ, मामी ना कोई ज्यादा तो मामी और मम्मी आ जा रहे हैं, मतलब बिल्कुल खराब सब्जी, तो क्या वो जगह मुंह डाल गुलाब जामुन और मिक्स करके खाओ बढ़िया लगेगा। अरे हां भाई दे बेचारा डाल डाल किसको, एकदम टेस्टी लगे नहीं है इसमें वो से खाना मैं खाऊं, ये इसी मुंह में डाल आ रहा है मस्त आ गया सही क्या वाला हमारे कम्प्लीट। मैं गाइस आज का ब्लॉग यहीं तक था।